हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो हम देखो, यहाँ हमारा सारा टप्पर इकट्ठा हो रखा है, सब लोग घूमने जा रहे हैं मानसर लेक। आप लोगों को भी दिखाते हैं, काफ़ी फेमस है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। सब लोग यहाँ आ चुके हैं। देखो अज्जू, ये है अज्जू, ये है गौरव, नहीं दिया मेरे को, नहीं दिया बोला, आपकी बुआ ने मेरे को भी बोला। जैसा कि आपको पता है कि मैं विजयपुर में रह रही हूँ और आज जो है हम लोग जा रहे हैं मानसर लेक। तो विजयपुर से मानसर लेक जो है 30 किलोमीटर की दूरी पे है और अगर आप जम्मू साइड से आते हैं तो आपको 45 से 50 किलोमीटर की दूरी तय करके मानसर लेक पहुँचना होगा। आज जो है छुट्टी का दिन था और कीर्ति भी घर में आई हुई है, कीर्ति मतलब मेरी सिस्टर। तो हमने सोचा कि इन लोगों को भी घुमा देते हैं और साथ साथ में हम भी घूम लेते हैं, क्योंकि हमें भी यहाँ आए हुए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो फर्स्ट टाइम ही हम सारे लोग यहाँ आ रहे हैं और बहुत इन्जॉय करने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है आज। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या है यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा इसका नाम सुना था और जैसे कि आप देख पा रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है। यहाँ पे आने के लिए आपको बसेस और मेटाडोर सब कुछ अवेलेबल है, बट हम लोग जो है अपने व्हीकल से आए हैं क्योंकि हमें वही बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट था और बेटर है कि आप लोग भी अपने व्हीकल से या कैसे भी हायर करके उस तरीके से आएँ तो वो ज़्यादा ईजी पड़ता है। और पार्किंग एरिया बहुत अच्छा है, यहाँ पे खुली पार्किंग आपको मिल जाएगी। और ये हम अंदर आ चुके हैं, झील जो है मानसर लेक जो है वो यहाँ से आपको नज़र आ रही होगी। तो चलिए अंदर चलते हैं और अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। माय गॉड, चेरी देख, क्या है यार ये? अभी देखी मछली, अभी देखी मछली, माय गॉड, ये इधर डालेंगे, ये इधर डालेंगे, चेरी डालो, ये और डालो, और डालो, इतनी बड़ी बड़ी छोटी, कैसे भी डालो, थोड़ा दूर डाल दो यार, वहाँ को जाएंगे, यही बसी पड़ी है, वो देखो, ओए ओए, ये कैसे गिर गए? भैया भी कम डालो, चलिए ओए पीछे डालो, इतने दूर बेटे, दूर डालो, तू बाप रे, तबाही में चल रही है, ये लोग कर रहे हैं अज्जू, ये देख अज्जू, ये इतनी बड़ी बड़ी है, हद नहीं है, इधर भी बेचारी भूखी है, यहाँ डालो, कच्चे सब इधर ही लगे पड़े हैं, आजा हम उधर डालेंगे, इधर आ जा, इधर आ जा, हाँ ये लोग मोटे काम कर रहे हैं। तो गाइज़, ये है मानसर लेक और इसमें जो है अनगिनत मछलियाँ हैं।
आपने जैसे कि देखा हम लोग जो है इनको आटा डाल रहे थे, और आटा यहाँ पे भी मिलता है अगर आप यहाँ से ख़रीदना चाहते हैं, और आप अगर घर से लेके आना चाहते हैं तो घर से लेके आ जाइए। तो हम लोग जो है घर से ही आटा लेके गए थे, तो दीदी जो साथ में थे वो आटा मतलब उसका डो बना रही थी, और सभी लोग थोड़ा थोड़ा आटा मछलियों को चुगा रहे थे। ये अच्छा भी होता है, ग्रहों के हिसाब से भी बहुत अच्छा होता है मछलियों को चींटियों को दाना डालना, और यहाँ पे सभी लोग जो है मछलियों को जो है ये दाना डाल रहे थे, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। चेरी को भी बहुत मज़ा आया, मतलब एक डिफरेंट सा इन्वायरमेंट था ये, और सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। और मैंने या हम लोगों ने बोल लें कि इतनी सारी मछलियाँ और इतनी बड़ी मछली तो मैंने सच में फ़र्स्ट टाइम देखी है। ओवरऑल बहुत इन्जॉय किया हम सब ने। और यहाँ देखिए इतना बड़ा कछुआ है, जो भी कोई अगर मछलियों को परेशान, मछली को खाना खिलाया गौरव, जो भी कोई अगर मछलियों को परेशान करता है कुछ भी करता है ना, तो ये कछुए तुरंत उनको बचाने के लिए और उन पर अटैक करने के लिए किनारे पे आ जाते हैं। तो मछलियों को यहाँ पे परेशान नहीं करना है, छेड़ना नहीं है, सिर्फ आपको चुपचाप से यहाँ दाना डालना है। तो इस तरीके से है, ओवरऑल हमने बहुत इन्जॉय किया, और अभी तो काफ़ी कुछ है, काफ़ी कुछ हम करने वाले हैं, तो ब्लॉग में बने रहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, जो भी लोग मानसर लेक आना चाहते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरीके के वीडियोज़ इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए अब आगे की चीज़ें देखते हैं। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. तो यहाँ पे देखने के बाद अब हम लोग आगे की साइड जा रहे हैं, और यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं जहाँ से आप कुछ भी जो भी आपको पसंद आए वो सामान ले सकते हैं। खाने पीने की जो हैं स्टॉल हैं, लाइक मैगी, चाय, स्नैक्स, और आपको प्रॉपर खाना भी यहाँ मिल जाएगा। तो हम लोग जो है अभी आगे की तरफ जा रहे हैं, आगे बोटिंग होती है तो हम लोग अभी उस पॉइंट पे जा रहे हैं। तो चलिए फिर फटाफट से बोटिंग के पास चलते हैं, क्योंकि झील पे आएँ और बोटिंग ना करें ऐसा तो नहीं हो सकता है, वरना ये ट्रिप ही हमारी अधूरी रह जाएगी। तो सबका बहुत मन था बोटिंग करने का, तो फटाफट दौड़ते हुए सब लोग पहुँचते हैं बोटिंग की तरफ, बट उससे पहले बीच में हमें कुछ और मिल जाता है, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. Yeah, children park. यहाँ पे आपको बहुत सारे झूले मिल जाएंगे और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे चेरी ने एक दो राइड ली और उसके बाद हम लोग वापस से चल रहे हैं जहाँ पे हमें करनी थी बोटिंग। और ये लेक दिख रही है, और यहाँ पे ना बतख भी हैं, कमल के फूल वगैरह भी हैं, तो बहुत अच्छी सुंदर सी लेक है। तो चलिए फिर फटाफट से मेन पॉइंट पर चलते हैं, बोटिंग करते हैं, तभी तो ट्रिप का मज़ा आएगा। And the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you. तो यहाँ पे जो है आप बोट हायर कर सकते हो, मतलब रेंट पे ले सकते हो, 200 रुपये पर बोट है, और ये एक बोट में 4 लोगों को अलाउड करते हैं, तो 4 लोग ही बैठ पाएंगे, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो। तो हम 4 लोग यहाँ बैठ चुके हैं। हम बोट में बैठे और मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी तो चेरी को टेंशन हो गई कि मम्मा फ़ोन नहीं गिराना। तो बच्चे भी बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं अपनी चीज़ों का, अपने फैमिली का, कि मम्मा पापा पापू परेशान ना हो। तो बहुत ज़्यादा समझदार हैं आजकल के बच्चे।
तो यहाँ पे हम लोग खूब इंजॉय कर रहे थे। दो बोट हमने ली थी तो एक दूसरे को आगे पीछे, मतलब मस्त हमने बहुत मजे बोटिंग करके इस ट्रिप का पूरा आनंद लिया। आज का दिन खूब इंजॉय किया। मानसर लेक बहुत ब्यूटीफुल है, आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिए। और यहाँ पे आने के बाद बच्चों ने जो है चिप्स वगैरह खाए और कोल्ड ड्रिंक ली, कोल्ड ड्रिंक ऑलमोस्ट सब ने ही ली। और उसके बाद जो है हम लोग अपनी गाड़ी की साइड जा रहे हैं जहाँ पर हमने गाड़ी पार्क करी हुई है, और यहाँ पर लगे हुए हैं बहुत ही ब्यूटीफुल से लोटस। और यहाँ पे इस पेड़ पे देखो कितने सारे चमगादड़ लटके हुए हैं, बहुत ही अजीब लग रहे थे ये देखने में। फ्रेंड्स हमने मानसर लेक देख लिए, आप लोगों को भी दिखाई है। आई होप आपको अब हम लोग वापस जा रहे हैं घर। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक और न्यू ब्लॉग में। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर।